इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। दिल्ली की ये गहमा गहमी वाली सड़क एक प्राचीन सड़क का हिस्सा है। ये सड़क 2400 किलोमीटर लंबी उस सड़क का भाग है जो अफगानिस्तान में काबुल को और बांग्लादेश में चिटगांव को जोड़ती है, यानी ये सड़क पूरे महाद्वीप को मिलाती है। आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से मशहूर इस सड़क की एक खास बात ये भी है कि इसका पुराना नाम उत्तरापथ था। इस सड़क का उपयोग पिछले 2500 साल या शायद उससे भी पहले हड़प्पा युग से होता आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं इस सड़क की दिलचस्प कहानी। शुरुआत करते हैं एशिया के साथ इस सड़क को इंटीग्रेट करने के अधिक हाल के प्रयास से। 1959 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिससे एशिया के लैंड ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाया जा सकता था। 32 मुल्कों ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया और द ग्रेट एशियन हाईवे, जिसे हम द एशियन हाईवे नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, शुरू किया गया। इस नेटवर्क की सबसे लंबी सड़क एशिया हाईवे 1 जापान से शुरू होती है और 15 मुल्कों से होती हुई यूरोप के रोड नेटवर्क से मिल जाती है। कोरिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार से होती हुई जब यह सड़क भारत के मणिपुर और मेघालय को पार करती है और फिर बांग्लादेश में दाखिल हो जाती है, तो इसको जोड़ दिया जाता है एक ऐतिहासिक रास्ते के साथ। इस रास्ते को शेरशाह सूरी बांग्लादेश के चिट्टागोंग तक लाए थे, लेकिन यह सड़क उससे कहीं पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ट्रेड का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया था। आगे चलकर जब वैदिक काल प्रारंभ होता है और फिर जब जनपद और महाजनपद बनते हैं, तो आपस में व्यापार को और स्मूथ बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए लोग सड़कें बनाते हैं। पुराने जो बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स हैं और जो हमारे पास हिंदू रिकॉर्ड्स हैं, उनमें इस उत्तर पथ का जिक्र आता है। ये जो उत्तर पथ है, ये रास्ता मौजूदा अफगानिस्तान से भारत के बंगाल तक आता था और इस रास्ते पर ज़्यादातर महाजनपद आते थे और जो सबसे प्रमुख शहर हैं जैसे तक्षशिला, हस्तिनापुर, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ये सब इसी से जुड़े हुए थे। अब मौर्य काल में इस रास्ते की और डेवलपमेंट हुई, उसको और बेहतर बनाया गया और उस समय के, बल्कि उसके बाद के भी लिटरेचर जो हैं उसमें इसकी काफ़ी जानकारी मिलती है। उत्तर भारत और अफगानिस्तान का जो इलाका है, यहाँ जो जनपद होते थे वो जो इस रास्ते से जुड़े होते थे, उन्हें भी उत्तर पथ कहा जाने लग पड़ा। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो उत्तर पथ के रास्ते सबसे बढ़िया घोड़े और कीमती सामान ये नीचे मगध और कलिंग तक लाया जाता था और फिर असम के रास्ते उसे म्यांमार और आगे की तरफ भेजा जाता था, तो उसका हमें जो है वो जिक्र मिलता है। महाभारत में भी उत्तर पथ का जिक्र आता है जिसमें मगध, कंबोज, गांधार, यवन वगैरह से व्यापार की बात कही गई है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सड़क को व्यापार के हिसाब से और बेहतर बनाया। 2600 किलोमीटर लंबे रास्ते को पक्का किया गया। सम्राट अशोक ने इसके दोनों तरफ पेड़ लगवाए और हर आधे कोस पर एक कुआं खुदवाया। निर्धारित दूरियों पर सराय, जैसे जो रेस्ट हाउस होते हैं, वो बनवाए गए जिससे लोगों को जो इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें आसानी हो जाए। इस सड़क के चलते पूरा जो मौर्यन एम्पायर था वो और मजबूत हो गया। 127 BC 127 ईसा पूर्व में चीन से एक दूत गांधार आता है, जो भी गांधार अफगानिस्तान का इलाका है वहां आता है, और वो ये देख के हैरान रह जाता है कि यहाँ पर चीन का सामान पहले से बिक रहा है। तो इस शख्स ने इस पर और शोध किया, उसने जो अपने रिकॉर्ड तैयार किए उसमें उसने डिटेल दी है कि किस रास्ते से सामान यहाँ तक पहुंचा, और जो अभी मौजूदा दौर का जो म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन सभी मुल्कों का, उन सब इलाकों का इसमें जिक्र आता है और उस उत्तर पथ की पुष्टि होती है। करीब करीब 2000 साल के बाद शेरशाह सूरी ने इस सड़क को एक नई शक्ल दी। इस दौरान कई नए शहर बस चुके थे और जो कुछ शहर ऐसे थे जो मुख्य सड़क से थोड़ा सा हटकर थे, थोड़ी अलग इलाकों में थे, तो ज़रूरत के हिसाब से मामूली परिवर्तन करके उन्होंने एक नया रास्ता तैयार किया। इसके दोनों तरफ जगह जगह उन्होंने फलों वाले पेड़ लगाए ताकि राहगीरों के खाने का इंतज़ाम भी हो सके। बल्कि सूरी दौर में तो जो सराय थे उनमें भी मुसाफिरों के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने जगह जगह बाउलियाँ बनवाई पानी के लिए,
कुएं जो थे उनको फिर से रिपेयर किया गया, ठीक किया गया। हर कोस पर एक कोस मीनार और हर दो कोस पर एक सराय बनाई गई। इस काल में, सूरी काल में, इस सड़क का नाम हो जाता है सड़क ए आजम। अब आगे चल के मुगल दौर आता है तो अकबर और जहांगीर जैसे बादशाह वो भी सड़क पर काफी ध्यान देते हैं। जहां कहीं भी नहर वगैरह आती है वहां पर पुल बना दिए जाते हैं ताकि नहर पार करने को आसानी हो जाए। बड़े दरिया पर पहले से किश्तियों का इंतजाम तो था ही। पूरे रास्ते पर नई सरायें बनवाई जाती हैं और जो पुरानी सरायें हैं उन्हें और बेहतर किया जाता है। पत्थर और ईंटों से इन सरायों को और मजबूत किया जाता है। जो जली हुई ईंटें हैं, बर्ड ब्रिक्स, उन ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उससे और ये मजबूत हो जाती है। ऊपर बेहतरीन स्टोन लगा के रेड सैंडस्टोन का काफ़ी इस्तेमाल किया गया, दिल्ली क्वार्ट्जाइट जैसे, या जो लोकल क्वार्ट्जाइट मिला उनका काफ़ी इस्तेमाल किया गया। दोनों तरफ ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जिनकी जो पत्तियां हैं उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो ताकि सड़क पर अच्छे से छांव आ सके, चलने वालों को आसानी हो सके। ये तो सारे जानते हैं कि मुगलों ने इमारतों की खूबसूरती पर काफ़ी ध्यान दिया, तो उनकी जो सराय भी थी ये भी हर लिहाज से उम्दा हुआ करती थी। जहाँ हर सराय में मस्जिद, कुएं वगैरह बनाए जाते थे, वहीं सराय पर बढ़िया पत्थर लगाकर उस पर नक्काशी भी की जाती थी, वो भी हमें देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर नूर की सराय ले लीजिए। ये जो सराय है ये जहांगीर की जो बेगम है नूर जहां, उसकी बनवाई हुई थी। जलंधर के पास नूर महल नाम की जगह है और उसमें वो नूर की सराय स्थित है। इसमें हर तरह की सुख सुविधा थी, यहाँ तक कि बादशाह के लिए भी एक कमरा बना हुआ था। तो जहांगीर ने जहांगीर नामा में लिखा है कि नूर जहां बेगम की दरख्वास्त पर मैंने उनकी बनाई हुई सराय में अपना आना मंजूर किया और यहाँ दो दिन बिताए। यहाँ एक आरामदायक मंजिल है, जहाँ एक उम्दा शाही बाग है, और उसके बारे में उन्होंने और भी कई कुछ लिखा। और फिर वो कहते हैं कि आगे चल के भी जहांगीर नामा में दोबारा से जिक्र आता है इस सराय का। बल्कि सिर्फ जहांगीर ही क्यों, हर वो राहगीर जो यहां से गुजरा, यहां रुका, उसने इस सराय की खूबसूरती से इंप्रेस होके इस पे कुछ ना कुछ लिखा है। बल्कि पंजाब में तो अगर किसी बहुत ही बड़ी और खूबसूरत इमारत का जिक्र करना होता था तो उसे नूर महल की सराय से कंपेयर किया जाता था। और आज भी ऐसे कई पुराने लोकगीत पंजाब में मौजूद हैं जिसमें इस सराय का जिक्र मिलता है, नूर महल की सराय का। मुगलिया दौर में इस सड़क का नाम हो जाता है बादशाही सड़क, और पिछले राजाओं की तरह मुगल भी एक टीम बना देते हैं जिसका काम सिर्फ इस सड़क की रखरखाव, उसकी देखभाल करना होता है। पूरी सड़क पर कहां कहां कोस मीनारें बनेंगी, उनकी रिपेयर, कुएं, बावलियां, सराय, उन सब के ऊपर वो काम करते हैं। जब ब्रिटिश हुकूमत आ जाती है तो वो भी सड़क पर खास ध्यान देते हैं। कलकत्ता से लेकर पेशावर तक इस सड़क को पक्का किया जाता है और हर एक मील पर 1,000 पाउंड खर्च किए जाते हैं, जो हमें पुराने ब्रिटिश रिकॉर्ड मिलते हैं। देश भर में सड़कों और इमारतों के रखरखाव के लिए अंग्रेज जो है वो एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाते हैं और यहाँ काम लायक इंजीनियर, सर्वेयर, एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें तैयार करने के लिए रुड़की के अंदर थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थापित किया जाता है। आगे चल के इसी कॉलेज का नाम हो जाता है IIT रुड़की, और यहाँ से निकले इंजीनियर अब इस सड़क की देखभाल शुरू कर देते हैं। ये सड़क जो है ये अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य की बैकबोन बन जाती है, शायद इसीलिए इसका जो नाम है उस समय वो ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ गया होगा। अनेक अंग्रेजी ट्रैवलर्स ने, राइटर्स ने इसके बारे में लिखा है, बल्कि रुडियार्ड किपलिंग तो बाकायदा इस सड़क पर एक कविता लिख चुके हैं और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जैसा जीवन का प्रवाह इस सड़क पर होता है वैसा दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। देखिए, मौजूदा दौर में चाहे ये सड़क जो है 4 मुल्कों में बढ़ चुकी है, पर आज भी इन 4 मुल्कों की राजधानियों को जोड़ती है और एक बहुत ही खास और एक बहुत अपने आप में एक मुकाम रखती है। अफगानिस्तान में काबुल से होती हुई ये तोरखम तक आती है, जहां पर ये दर्राए खैबर को पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है। फिर पाकिस्तान के जमरूद, पेशावर, नौशेरा, अटक होती हुई ये जो सड़क है वो इस्लामाबाद से गुजरती है और रावलपिंडी, गुजरावाला, मुरीद के लाहौर होती हुई वाघा तक आ जाती है, जहां से ये भारत में दाखिल होती है और भारत के अटारी के रास्ते ही अमृतसर पहुंचती है। अमृतसर करतारपुर, जलंधर, लुधियाना, सरहिंद, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत से गुजरते हुए ये दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली के बाद ये जो सड़क है ये मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयाग, वाराणसी होते हुए बिहार में दाखिल हो जाती है। वहाँ ये सासाराम से निकलती है, फिर आगे औरंगाबाद, धनबाद होते हुए आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान और कलकत्ता के हावड़ा तक चली आती है।
हावड़ा से बनगांव होते हुए ये सड़क पहुंच जाती है पेट्रापोल तक, जो कि अब भारत और बांग्लादेश का जो है वो बॉर्डर है, और फिर यहाँ से ये आगे ढाका होते हुए चित्तेगोंग तक पहुंच जाती है। देखिए, इस सड़क को हम चाहे किसी भी नाम से पुकारें, चाहे हम इसे बादशाही सड़क कहें, चाहे हम इसे सड़क आजम कहें, चाहे हम इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहें, पर इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि ये जो एक प्राचीन रास्ता है ये हमेशा से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सड़क रही है। और अपने ज़माने में, चाहे वो आज से 3000 साल पहले हो, तब भी ये एशिया की सबसे लंबी सड़क थी, और आज जब ये एशिया हाईवे 1 का हिस्सा बन चुकी है तो आज भी ये एशिया की सबसे लंबी सड़क है। और एशिया के अंदर ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोड के रूप में हमारे साथ है।